तो हेलो गाइज, ये मेरा व्लॉग 55 एंड यस वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो यार सबसे पहले तो हैप्पी गणेश चतुर्थी टू एवरीवन। सो आई होप कि आप लोग भी बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट कर रहे रहोगे। एंड या हमारे सोसाइटी में भी सेलिब्रेशन हो रहा है, तो अपना आधा दिन तो उधर ही जाने वाला है, बट मैं फिर भी कोशिश करूंगा कि मैं अपने सारे टारगेट्स तो पूरे करके चलूं, बिकॉज एज वी ऑल नो कंसिस्टेंसी इज द की, है ना। तो चलो एज यूजुअल अपन अपना डेली शेड्यूल बनाते हैं। वैसे तो अभी टेस्ट भी आ रहे, तो उसको भी देख के उस हिसाब से अपन अपना शेड्यूल बनाएंगे एंड चैलेंज में क्या क्या करना है वो भी लिख देंगे। वैसे अगर आप पूछोगे कि डेली टारगेट बनाना जरूरी क्यों है, तो देखो भाई इससे ना आपको एक आइडिया रहता है कि आज के दिन मुझे ये सारे टॉपिक्स और ये सारे चैप्टर्स करने हैं। बिकॉज अगर आप ये नहीं बनाते हो ना, तो क्या होता है कि हमने सुबह तो कुछ और सोचा रहता है कि आज ये वाले टॉपिक करूंगा, बट शाम तक कुछ और ही टॉपिक कर लेते, फिर याद आता है कि अबे यार ये तो रह गया। एंड अगर ऐसे करोगे तो आपको ये आइडिया रहेगा कि आज आपने क्या किया था और कल क्या किया था, इससे आप अगले दिन का टारगेट प्रॉपरली बना सकते हो। ओके, तो यही मेरा आज का शेड्यूल। मैंने रोज की तरह ही शेड्यूल रखा है, इवन दो आज मेरे पास पढ़ने के लिए टाइम थोड़ा कम है, बट स्टिल मैंने इतना मेंशन कर रखा है। तो अपन पूरी कोशिश करेंगे इसमें से जितना हो पाए उतना करेंगे। लेक्चर्स है, डीपीपीज है, इसमें से बायो का लेक्चर आज भी मैं ऑप्शनल रख रहा हूँ। एंड बाकी 75 डेज चैलेंज में ये चैप्टर मुझे करना है। अब इनमें से मैं कौन सा टॉपिक करता हूँ, कितने क्वेश्चंस करता हूँ, वो मैं अपने शॉर्ट्स में ही दिखाता हूँ, ठीक है। तो आप वो चेक मार लेना, बिकॉज वैसे भी 40-50 सेकंड का होता है वो, तो इतना तो आप दे सकते हो मेरे लिए, है ना। एनीवेज ये अपना आज का सिंपल सा टारगेट, तो चलो इसे पूरा करते हैं। हाँ, तो भी सबसे पहले मैं फिजिक्स का लेक्चर करता हूँ, उसके बाद फिर देखते क्या करना है आगे। बाय द वे मेरे फिजिक्स में थोड़े बहुत लेक्चर का बैकलॉग है, आई गेस 2 या 3 लेक्चर के हैं, पर कोई ना अपन कंप्लीट तो करेंगे। अब क्या है कि जैसे आज मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है ना ये सब करने को, तो आई नो कि आपके साथ भी कोई ना कोई दिन ऐसा आता होगा जिसमें टाइम नहीं मिलता ज्यादा, पर क्या है कि आपको कहीं ना कहीं से तो टाइम निकालना पड़ेगा, बिकॉज 24 आवर्स तो आपको मिलते ही है ना। तो यार देखो, बाकी सारी चीजें आप कट करके बैकलॉग पूरा कर सकते हो, बिकॉज बाकी सारी चीजें तो कवर हो जाएंगी बाद में कभी, लेकिन जो बैकलॉग है ना वो कवर नहीं होता। अगर एक बार वो हो गया ना, तो वो बढ़ते चला जाता है, क्योंकि एक लेक्चर भी अगर छूटा ना, तो वो 2 घंटे का लेक्चर होता है, एंड 2 घंटा इतना इजीली नहीं मिलता, या तो फिर सेल्फ स्टडी छूट जाएगी, है ना। तो इसीलिए कोशिश किया करो कि बैकलॉग बने ही ना, चाहे जो हो जाए। ऐसा कभी सोचना ही मत कि चलो थोड़ा सा ये मैं अगले दिन कर लूंगा, थोड़ा सा ये मैं अगले दिन कर लूंगा। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है मेरे साथ भी, पर ठीक है, मैं उसे नेक्स्ट डे कर ही लेता हूँ। तो अगर आप ऐसा करते हो तो नेक्स्ट डे कर लेना, ठीक है। और अगर नेक्स्ट डे तुमने नहीं किया, तो फिर इधर उधर जाके यूट्यूब पे सर्च करोगे कि हाउ टू क्लियर बैकलॉग, हाउ टू क्लियर बैकलॉग। एंड उसमें भी वो लोग क्या एडवाइस देंगे, एक्स्ट्रा हार्डवर्क करो, है ना, बिकॉज इसका कोई शॉर्टकट तो है ही नहीं। मैंने भी जो बैकलॉग पे वीडियो बनाया, मैंने उसमें भी यही कहा है कि एक्स्ट्रा टाइम निकालो, एक्स्ट्रा हार्डवर्क करो, सिंपल। चलो भाई, लेक्चर तो पूरा हो गया एंड अभी टाइम भी हो रखा है काफ़ी, तो मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं खाना खा लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं अपना 75 डेज चैलेंज जो है वो करूँगा, ठीक है। तो गाइस चलो, मैंने खाना तो खत्म कर लिया एंड अभी मैं फाइनली अपना 75 डेज चैलेंज करने बैठूंगा। वैसे मैंने खाना खाने के बाद थोड़ा बहुत रेस्ट किया है एंड अभी मैं बैठ रहा हूँ, एंड फिर ये खत्म करने के बाद आज एडिटिंग भी मुझे ही करना है, तो इसके बाद फिर अपने को लेक्चर्स भी करने हैं, देखते हैं आज कितना कर पाते, तो बहुत काम है। चलो मैं बैठता हूँ फटाक से। ओके भाई, आज तो मैं ये चैलेंज करने को ज्यादा एक्साइटेड हूँ, बिकॉज मेरे पास एनसीईआरटी पंच आ चुका है यार। मैंने कब से ऑर्डर किया था एंड अब जाके मेरे पास पहुंचा ये बुक। अब जो मेरे व्लॉग्स ऑलरेडी फॉलो कर रहे होंगे ना, उन्हें पता होगा मैं काफी टाइम से सोच रहा था कि वो नीली बुक हटा के ना ये काली वाली बुक से सॉल्व करूं। काली बोला तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं रेसिस्ट हूं, ठीक है। एनीवेज क्या है कि मैं जो ऑलरेडी ब्लू वाली मॉड्यूल्स यूज कर रहा था ना, उसके क्वेश्चंस के लेवल उतने खास नहीं थे, है ना, तो इसीलिए मैंने ये वाली बुक मंगा लिया, बिकॉज मैंने बहुत सारे रिव्यू वीडियोस देख रखे एंड आज मैंने इसे खुद यूज करके देख ही लिया आखिरकार। एंड बहुत से लोग मुझे ये भी कह रहे थे कि इसका रिव्यू वीडियो डालो, तो चलो दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा, ठीक है। तो भाई सबसे पहले तो इस बुक पे मैं क्यों ट्रस्ट करूँ पता है, बिकॉज ये बुक हमारे विपिन शर्मा सर ने लिखी है, तो खाली ये नाम से ही पता चल गया कि इस बुक का लेवल कितना बढ़िया होगा। तो फॉर एग्जांपल मैं अभी जो चैप्टर करने वाला हूँ ना, मैं आपको वो चैप्टर दिखाता हूँ इस बुक से। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में ही ना एक ट्रेंड एनालिसिस मिल जाता है कि नीट में कितने साल में कितने क्वेश्चन आ रखे इस पर्टिकुलर चैप्टर से, और साथ में नीचे टॉपिक भी दिया कि किस टॉपिक से पूछा जाता है, तो स्टार्टिंग में समझ गया कि किस टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना है ना। फिर उसके बाद अपने को हाइलाइटेड रेशनलाइज्ड कंटेंट मिल जाएगा एनसीईआरटी बुक से। देन फिर इसमें एक नीट एल्यूमिना सेक्शन है जिसमें कलरफुल इन्फॉर्मेटिव डायग्राम्स मिल रहे हैं। एंड फिर इस बुक में कुछ की पॉइंट्स मेंशन किए, जैसे कि इसमें 3500 फिलअप्स एंड ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चंस हैं। फिर 100% एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी मिल रहे हैं। फिर उसके बाद 800+ असर्शन रीजन एंड स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस हैं,
जो यार इस साल नीट में तो बहुत ज्यादा ही पूछ लिया गया था। फिर करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी है जो कि टोटल 600 से भी ज्यादा है, एंड फिर मैच द कॉलम्स वाले क्वेश्चंस भी मिलेंगे उसमें जो कि 500 से ज्यादा है। अब इन सब चीजों की वजह से ना मुझे ये बुक पसंद आई, बिकॉज क्या है कि बायोलॉजी में मुझे चाहिए दबा के प्रैक्टिस, एंड बायोलॉजी क्या सारे सब्जेक्ट में दबा के प्रैक्टिस करना है अपने को, तो इसमें से जितने क्वेश्चन हो पाएंगे ना मैं उतने क्वेश्चन सोल्व करूंगा। वैसे भी मैं चैलेंज कर रहा हूँ तो मुझे ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन ऑलरेडी सोल्व करने ही है, तो इसीलिए मैंने ये बुक तीनों सब्जेक्ट की मंगा रखी है। एंड अगर आपको भी ये बुक खरीदना है ना तो आप लोग जाके पीडब्ल्यू स्टोर से ये बुक खरीद सकते हो, और पता है अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करोगे ना अंशु तो आपको एक्स्ट्रा 150 रुपीस का डिस्काउंट मिल जाएगा। और पता है मैंने भी अपना कोड यूज करके ये बुक मंगाया है। जाओ जाओ अपने भाई के नाम का फायदा उठाओ। चलो भाई फाइनली मैं घर आ चुका हूँ। एक्चुअली अभी मैं नीचे गया था बिकॉज गणेश चतुर्थी थी जैसे मैंने बताया ना, तो अभी विसर्जन था हमारे सोसाइटी में, तो मैं गया था थोड़ी देर के लिए नीचे, एंड अभी मैं आया हूँ। अब टाइम देखो एक बार टाइम कितना हो रहा है, एंड 9 बजने वाले हैं और मेरे को 9 बजे अपना 75 डेज चैलेंज का शॉर्ट जो है वो अपलोड करना था, पर अब तक मैंने एडिट भी नहीं किया है, तो अभी मैं फटाफट वो एडिट करता हूँ, फटाफट 10-15-20 मिनट जितने भी लगेंगे फटाफट वॉइस ओवर करके एडिट करता हूँ, देन फिर आगे आपसे मिलता हूँ, ठीक है। वैसे मैं ये एडिटिंग के टाइम लैप्स डाल रहा हूँ, ये नेसेसरी तो नहीं थे, पर क्या है कि बहुत से लोग पूछ रहे थे कि आप एडिटिंग कैसे करते हो, किस में करते हो, तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत आपको दिखा दूं। तो अभी मैं वॉइस एडिटिंग कर रहा हूँ ऑडासिटी से। जी हाँ, वॉइस भी एडिट करना पड़ता है बिकॉज बैकग्राउंड नॉइज रिमूव करना रहता है, एंड फिर पिच एंड बेस में भी थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ता है। उसके बाद फिर मैं वीडियो एडिटिंग करता हूँ। वीडियो एडिटिंग मैं डाविंची रिजॉल्व से करता हूँ। ये सॉफ्टवेयर मैं अभी मैकबुक में यूज कर रहा हूँ, ये विंडोज के लिए भी अवेलेबल है, पर इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट थोड़ी ज्यादा है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है। एनीवेज मुझे ये शॉर्ट्स एडिट करने में ऑलमोस्ट 15 मिनट लग जाते हैं, वैसे तो मेरा फ्रेंड करता था बट कभी कभार मैं भी कर देता हूँ। तो यार चलो मैंने फटाफट से एडिटिंग तो खत्म कर लिया। टाइम देखो भाई 9:10 हो रहे है ना, एंड अभी मैंने देखो इसमें रेंडर में लगा दिया, थोड़ी देर में हो जाएगा अपलोड। सो अब फटाफट मैं ये अपलोड कर देता हूँ, एंड टेलीग्राम पे लिंक शेयर कर दूंगा, तो अगर आपने मेरा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया होगा चैनल तो ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो गाइस चलो मेरा आज का 75 डेज चैलेंज पूरा हुआ, एंड यार आज मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया, पर कोई बात नहीं यार, बिकॉज त्यौहार भी कभी कभी आता है ना, तो चलो कोई ना। लेकिन ये तो है कि यार सारे लेक्चर तो पूरा करूँगा मैं, बाकी DPPs देखते हैं अपन कितना कर पाते, वो भी मैं ट्राई करूँगा कि मैं पूरा करूँ, वैसे टाइम तो बहुत ज़्यादा नहीं बचा है, पर या मैं ट्राई करता हूँ जितना हो पाएगा उतना करूँगा। सो यार जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि जो मैं इनऑर्गेनिक है ना वो लास्ट ईयर का जो यकीन बैच था, यानी कि यकीन 2.0 2023, मैं उस वाले बैच से कर रहा हूँ, एंड हमारे MD सर से पढ़ रहा हूँ। ऑफ कोर्स मतलब मैंने थोड़ा सोचा कि MD सर से करूँ या हितेश चोपड़ा सर से करूँ, तो मैंने इन द एंड डिसाइड किया MD सर से करता हूँ, बिकॉज क्या है कि इनके साथ भी वाइब मेरी मैच हो चुकी है, एंड मैंने ऑलरेडी इनसे पूरा पढ़ रखा है ना, तो इस बार और ज़्यादा समझ में आएगा, इसीलिए मैं इनसे कर रहा हूँ, ठीक है। तो वैसे मैंने लास्ट टाइम ये 2 लेक्चर किए थे मतलब कल, एंड आज मैं ये वाला लेक्चर करने वाला हूँ, तो चलो यार बैठते फटाफट, ठीक है। बाय द वे मैंने अपने पिछले वीडियो में ये चीज बता दी थी कि मैं MD सर से क्यों पढ़ने वाला हूँ, एंड यकीन 2.0 2023 से क्यों पढ़ रहा हूँ, तो अगर आपको नहीं पता होगा तो वो वीडियो जाके चेक कर लेना। एनीवेज यार ये सर कितने ज्यादा क्रेजी है भाई, मतलब जब रोस्ट करते ना तो क्या एपिक रोस्ट करते पूछो मत, लाइक बहुत ज्यादा कोल्ड तरीके से रोस्ट कर देते हैं ये, तो मजा आता है। मैंने लास्ट ईयर भी इनके लेक्चर देख रखे थे, काफी बढ़िया लगते हैं मुझे ये सर, एंड वैसे भी इनऑर्गेनिक में अपने को NCERT वगैरह पूरी रटनी है भाई, तो उसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी भी आपको मेरे व्लॉग्स में दिखती रहेगी, ठीक है। मैं कैसे फॉलो कर रहा हूँ क्या कर रहा, तो कमेंट में पूछ के टेंशन मत लो, मस्त मेरे व्लॉग्स फॉलो करो, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे ऐसे ही। बाकी हाँ मुझे ये बताते रहना कि मेरे वीडियोस कैसे लगते, ठीक है। चलो भाई मेरा ये लेक्चर तो हो गया, अब मैं फटाफट DPP कर लेता हूँ, उसके बाद ही सोने जाऊंगा, आज वो तो खत्म करूंगा मैं। भाई बहुत रेयरली ये दृश्य देखने मिलता है, मतलब मेरे 0 इनकरेक्ट है भाई, वाह। वैसे तो ये पहला DPP था पीरियडिक टेबल का, इसीलिए 0 इनकरेक्ट है। एनीवेज भाई है तो सही ना, एटलीस्ट सारे करेक्ट है ना, बस ना। चलो अब फिजिक्स का DPP करने बैठता हूँ। भाई ये देख रहे हो कितने सारे DPP बचे इसके, मतलब कितने सारे नहीं, 1, 2, 3, 4, 5 बचे। ये सब चैलेंज की वजह से हो रहा है, बिकॉज चैलेंज में भी इतने सारे क्वेश्चन करने पड़ते हैं ना, पर कोई ना अपन इसको कवर कर ही लेंगे, एंड अगर ज़्यादा बचा रहता है तो फिर मैं इसको चैलेंज में इंक्लूड कर लेता हूँ। अगर आपने मेरे शॉर्ट्स देखे होंगे ना तो आपको पता होगा, ऐसे ही मेरे फिजिकल केमिस्ट्री में भी थोड़े बहुत 2-3 DPPs थे जो बचे थे,
तो फिर मैंने उसको चैलेंज में इंक्लूड कर लिया। तो अगर ये भी ज्यादा टाइम तक बैकलॉग में रहा ना तो इसको मैं चैलेंज में इंक्लूड करके उसे खत्म कर दूंगा वहीं पे सीधा। चलो फिलहाल ऐसे ही चालू करते हैं। वैसे तो मुझे लग रहा है कि मैं कंप्लीट कर लूंगा ये सब आराम से, चैलेंज में डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर पड़ी तो मैं उसी में कर लूंगा। भाई देख रहे हो ना कंसिस्टेंट रहने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, क्योंकि भाई नहीं छोड़ सकते ना लेक्चर्स या डीपीपीज, बिकॉज फिर वो आगे जाके और दिक्कत देती है। तो स्टॉप गिविंग एक्सक्यूजेस टू योरसेल्फ एंड स्टार्ट वर्किंग हार्ड। भाई ये देखो जीरो इनकरेक्ट इसमें भी भाई है यार। लेकिन एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट ना, मैंने तीन क्वेश्चन स्किप किए, उसमें से मुझे सिर्फ एक ही नहीं आया, बाकी दो कैसे सेम कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन थे, सिर्फ कैलकुलेशन करना था इसलिए मैंने वो स्किप किया, पर एक क्वेश्चन मुझे नहीं आया। तो अभी मैं वो चेक कर लेता हूँ कि मुझे क्या नहीं आया, मैं मतलब कहाँ पे अटक गया। एक्चुअली थोड़ा बहुत आ रहा था, बट वही है ना यार, बीच में कहीं जाके फंस जाते। चलो मैं देख लेता हूँ वो। ओके तो फाइनली सारे डीपीपीस पूरे हुए। मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री का अभी किया, और जो बायोलॉजी का था वो मैंने 75 डेज चैलेंज के अंदर ही किया। सो चलो अपने सारे लेक्चर भी हो गए और डीपीपीस भी हो ही गए आखिरकार। वैसे तो मुझे लगा था कि यार इतना टाइम है तो नहीं हो पाएगा, बट ये अपन ने कर ही लिया पूरा। तो चलो यार आज के ब्लॉग को तो मैं यहीं खत्म करता हूँ। एंड एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि ये जो आपको स्क्रीन पे वीडियोस दिख रहे हैं ना, अगर आपने ये अब तक नहीं देखा होगा तो जाके चेक मार लेना, बिकॉज बहुत ज्यादा क्रेजी एडिट किया एंड शायद कुछ वीडियो आपके काम का निकले है ना, तो जाके देख लेना। ठीक है, मिलते सीधा अगले व्लॉग में। ओके बाय। एंड क्या कर रहे हो यार, अब तक अपन सिर्फ 14K तक ही पहुंचे हैं, जल्दी से 15K करो एंड मुझे सेलिब्रेट करने का मौका दो। ठीक है, खुद तो वैसे भी करते नहीं, दिन भर घर पे पड़े रहते हो, मुझे तो मौका दो। चलो ठीक है, मिलते हैं।